पेदा नदी के पुल पर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण और गोगामा के कई इलाकों में पेयजल संकट की तरफ उनका इशारा है। उनका यह कहना है इस समस्या को दूर किया जाए। पुलिस टीम धरना स्थल पहुंच गई है। आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस समझा रही है ताकि ये जाम खुल सके। लंबी कतारें वाहनों की आप देख पा रहे हैं और लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोगामा की कई इलाकों में पेयजल संकट के विरोध में सड़क पर बैठकर पुल पर बैठकर जाम लगा दिया है। वेदा नदी का पुल है जिस पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। शशिकांत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। शशिकांत, क्या स्थिति इस वक्त है? क्या यह धरना खत्म हो पाया है? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के गोगांव में करीब एक सप्ताह से पेयजल वितरण नहीं हो पा रहा, जिसके बाद में खासकर महिलाओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद में महिलाओं और ग्रामीणों ने जो खरगोन सनावत मार्ग है वहां पर वेदा नदी के दोनों पुल पर, जो छोटा और बड़ा पुल है, वहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया। और धरना प्रदर्शन ये चक्का जाम में तब्दील हो गया, जिसके बाद में दोनों ओर जो है वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि बीते एक सप्ताह से यहाँ पर जो है पीएचसी और ग्राम पंचायत की लापरवाही से नल जल योजना के तहत पेयजल का वितरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो है ग्रामीण जिसमें खासकर महिलाएं परेशान होती नजर आई है। उसके बाद में आज आक्रोशित महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और वेदा नदी के पुल पर चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद में भीकन गांव के एसडीओपी राकेश आर्य मौके पर पहुंचे, गोगांव पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद में जनपद और पीएचसी और ग्राम पंचायत के अधिकारियों को बुलवाया गया। उसके बाद में उनकी समझाइश के बाद में करीब दो घंटे बाद यह जो है चक्का जाम समाप्त हुआ। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण जो है पेयजल के लिए परेशान हो रहे थे और उसी के चलते जो है ये ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद में उनका जो है ये चक्का जाम में तब्दील हो गया, जिसके करीब दो घंटे तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही है। हालांकि खासतौर पर अगर देखा जाए चक्का जाम के दौरान जो है एक एम्बुलेंस नहीं है, जिसको एम्बुलेंस को ग्रामीणों द्वारा निकाल दिया गया, लेकिन किसी भी वाहन को वहां से न तो बाइक सवार को गुजरने दिया न ही अन्य वाहन को गुजरने दिया, जिससे जो है पूरे जाम की स्थिति नजर आई। लंबे लंबे वाहनों की कतारें लग गई। फिलहाल जो है अधिकारियों की समझाइश के बाद में ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम समाप्त कर दिया। अगर उन्होंने ग्रामीणों द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि अगर पेयजल का वितरण समय पर नहीं हो पाया तो फिर से वह धरना प्रदर्शन के लिए उग्र होंगे और चक्का जाम के लिए बाध्य होंगे। चलिए, तो फिलहाल समझाइश के बाद ये जाम खुल गया, लेकिन इस जाम ने संकेत दे दिया कि लोग किस कदर, ग्रामीण किस कदर परेशान हैं और लगातार पेयजल आपूर्ति करने की मांग उनकी है। अब देखते हैं कि इस धरने और इस प्रदर्शन के बाद क्या स्थितियां सुधरती हैं, वापस ऐसी कोई नौबत बनती है प्रदर्शन करने की। शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए।